हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल मक्कर। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है 7:30 बजे, मेरी डिंग खुली है भाई। एंड दिस इज़ नॉट ए ट्रैवलिंग ब्लॉग, दिस इज ब्लॉग फॉर माई डेली लाइफ। अभी 8:30 बजे मुझे ऑफिस जाना है। वैसे तो आज सैटरडे है और सैटरडे को भी मेरा वीकेंड रहता है, लेकिन आज ऑफिस खुला हुआ है। सोचा कि एक डेली ब्लॉग के जैसा भी एक लाया जाए, आप उसे शेयर किया जाए, जो मेरा डेली लाइफ का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। नॉर्मली तो मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस जाता हूँ 8:30 बजे, और सैटरडे संडे छुट्टी होता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ प्रोग्राम वगैरह होना है ऑफिस में, तो इसलिए आज खुला हुआ है ऑफिस सैटरडे को। और सैटरडे संडे तो मैं शूट पे निकलता हूँ, पता नहीं, सोचा नहीं है कि आज क्या बनाना है, क्या शूट करना है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं चलता हूँ नहाने, उसके बाद रेडी होने। नाउ आई एम रेडी एंड रेडी टू गो आउटसाइड। तो मैं जाने वाला हूँ माइंड रैप से, और भाई माइंड रैप बनाने के बाद एक नॉर्मल पर्सन के लाइफ में क्या चेंजेस आता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं पर डे निकला था 8:30 बजे पक्का, और अभी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, नाउ 8:50, तो 8:50 हो रहा है, और अब मैं निकल रहा हूँ घर से ऑफिस के लिए। तो माइंड रैप बन जाने के बाद से भाई जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हो गया है, टाइम सेव हो रहा है, और भाई जरूरत का सामान जो है वो फटाफट रख लेता हूँ। हम लोग जाएंगे पेट्रोल पंप, मेरी गाड़ी में पेट्रोल अभी नहीं है, तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप जाएंगे पेट्रोल के लिए। तो भाई आ गया है पेट्रोल पंप पे, और मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। गाड़ी के अंदर और डिस्टर्ब कर दे रहा यार। गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करो तो उसको अच्छे से देख लो, चेक कर लो कंप्लीट कर, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तो मेरे गाड़ी के अंदर मुझे लग रहा है चूहा है, लेकिन सांप भी कभी कभी रह सकता है, और चेक कर लेना आप लोग भी गाड़ी निकालते समय। और जब तक ये मरीन ड्राइव नहीं बना हुआ था तब तक मैं जा रहा था आटो प्रॉस्पेक्ट से या फिर बाईपास से राजेंद्र नगर होते हुए, लेकिन मरीन ड्राइव बन जाने के बाद क्योंकि ये गायघा कनेक्ट हो चुका है, तो ये कनेक्ट हो जाने के बाद मैं जाने वाला हूँ मरीन ड्राइव से होते हुए। तो भाई ऑफिस जाने वाले जो भी लोग हैं वो इसी रोड का यूज़ करने वाले हैं, इनका ऑफिस गांधी मैदान के आगे या फिर गांधी मैदान में है। लुक एट दिस, वाओ भाई गजब लग रहा है। ऊपर से आप देख रहे हैं इस गायघाट ब्रिज को और मरीन ड्राइव को, भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई। भाई मौसम अगर सुहाना हो तो इस रोड पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन भाई तेज़ धूप हो रखी है बहुत। भाई साहब हम लोग PMCH पहुँच चुके हैं, तो बहुत हो रहा है PMCH, और ये जो मरीन ड्राइव है भाई एक तरह से पटना की लाइफलाइन है, क्योंकि अगर मेडिकल के दृष्टि से देखा जाए तो ये PMCH को भी जोड़ती है और दीघा एलिवेटेड होते हुए एम्स को भी जोड़ती है, और साथ ही साथ पहली रोड को भी ये जोड़ती है। पहली रोड में आप पारस और IGIMS से भी जल्दी कनेक्ट हो सकते हो बिना जाम में फंसे हो, तो मेडिकल के दृष्टि से भाई ये रोड लाइफलाइन है पटना की।
सामने आप लोगों को पहुंचाता है, तो आप लोग गाने मैदान में जा सकते हैं। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं गोलघर और बस कुछ ही दूर पे गांधी मैदान है। हम लोगों ने जो स्पीड रखा था वो रखा था लगभग 30 से 40 के बीच में, मतलब अक्सर 30-40 ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट नहीं था। तो अब चलिए गांधी मैदान तो हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग 13 मिनट में गाय घाट। अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे ऑफिस की तरफ, क्योंकि भाई ये डेली लाइफ ब्लॉग है तो हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो बज चुके हैं 9:30, हम लोग निकले थे 8:50 नंबर। भाई टाइम जो है वो काफ़ी फैक्टर करता है मेन ड्राइव बन जाने के बाद। वैसे तो लेट से भी निकला था और अभी भी मैं लेट नहीं हो रहा हूँ। तो काफ़ी है, जो भी नॉर्मल पर्सन है जो ऑफिस जाते हैं पर डे रोड जो है अशोक राजपथ का यूज़ करते थे और अब मेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो भाई उनके लिए काफ़ी बेटर है। नॉर्मल जो पर्सन है उनके लिए काफ़ी बेटर है ये मेन ड्राइव। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, दिस इज माय ऑफिस। भाई पहुंच गया और इसके आगे दिखा नहीं सकता मैं, बाय बाय। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए।